गुड मॉर्निंग नाइन क्लास, मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। थर्ड तक मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब आपको जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स। जैसे फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ये ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर भी है, ठीक है? तो इसका ट्रू होगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, तो ये फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं और होल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो हमने यहां लिखना चाहे तो इंटीजर -1 -2 0 1 2 3 ये सब होते हैं, लेकिन होल नंबर 0 1 2 3 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? तो एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब आते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी क्या है? फॉल्स। एग्जांपल देखते हैं। जैसे रेशनल नंबर की बात करें, 1/2 रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? होल नंबर क्या होते हैं? 1/2 कैसा है? रेशनल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट भी कैसा होगा? फॉल्स। तो ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में